रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नउबरे मोती मानुष चून। रहीम दास जी ने ऐसा इसलिए लिखा कि मनुष्य के जीवन में पानी अर्थात जल का बहुत महत्व है। हालांकि इसका एक आशय पानी यानी लज्जा या शीलता से भी है। इतिहास गवाह है कि पानी की कमी उन्हीं देशों में होती है जहां पानी बहुतायत में पाया जाता है। उसका एक प्रमुख कारण है ठीक से जल का प्रबंधन न होना। सभी तक पानी पहुंचाने के लिए और वो भी साफ पानी पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अलग से एक मंत्रालय बना दिया, जल शक्ति मंत्रालय। और इस मंत्रालय का सर्व प्रमुख लक्ष्य रहा हर घर में नल से जल पहुंचाना। और ये तभी संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जल जीवन मिशन बना दिया। और इस मिशन को लेकर लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना लक्ष्य था। और इतना ही लक्ष्य नहीं था बल्कि इस कार्यक्रम में अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी, जैसे कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग करना भी लक्ष्य था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह तय किया गया कि हर घर में नल से जल पहुंचाना है और उसके लिए प्रयास किए गए। और उसका परिणाम यह है कि अब तक 16,10,04,696 लोगों को घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। इस साल योजना के प्रतिदिन औसतन 89.07 लगभग ये आंकड़े जो हैं प्रति सेकंड एक नल लगाने से भी अधिक रहा है, जबकि लगभग 57,000 नल लगाए गए हैं। और भारत के अगले कुछ दिनों में 68% कवरेज के साथ कुल 13 करोड़ नल कनेक्शंस का आंकड़ा पार करने की कगार पर है। साल 2019 में जल जीवन मिशन के तहत 17% कवरेज के साथ हर घर में नल से जल योजना की शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने इसके तहत हर घर को कवर करने के लिए 5 साल का लक्ष्य तय किया था। और इस साल योजना के क्रियान्वयन में प्रदेशों की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, जिसने अकेले भारत में 2,16,00,000 में से लगभग 90,12,000 नए नल जल के कनेक्शन स्थापित करवाए। राज्य ने 2019 में मिशन की शुरुआत की थी और यहां करीब 1,50,00,000 नए कनेक्शन स्थापित करने का ऐतिहासिक आंकड़ा भी छू लिया। हालांकि पिछले साल यूपी ने केवल 30,80,000 नए कनेक्शन स्थापित किए और इसके लिए चिंता बढ़ गई थी क्या भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य दिए गए समय में मिशन को पूरा कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि 2019 में 2,57,00,000 घरों को नल से जल कनेक्शन प्रदान करने का इसका सबसे बड़ा काम जो था वो अधूरा रह गया था। और अधिकारियों ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार मॉनिटरिंग की वजह से उत्तर प्रदेश में अब तक 60% कवरेज दर्ज किया गया है। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल जैसे मिशन की कामयाबी के पीछे है मोदी सरकार की इच्छा शक्ति, सतत कार्य और प्रयास। खास बात यह भी है कि ये योजना भी पीएम मोदी ही के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि पूरी मशीनरी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। कुछ चुनौतियों को छोड़ दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भारतवासी प्यासा नहीं रहेगा।